है ये है क्या, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम F9, इसका पेपर पैटर्न क्या है, क्या क्या इश्यूज आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये है इसकी स्टडी गाइड जो ACCA ने इशू की हुई है, स्टडी गाइड। सो अगर हम इसी स्टडी गाइड के ऊपर चलते हैं तो ये देखें, ये है ओवरऑल लिंकेजेस ACCA के इस पेपर के, और इसमें वी आर जस्ट इंटरेस्टेड के FM और एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपस में कनेक्शन, क्योंकि FM का जो सिलेबस है उसका मेजॉरिटी पोर्शन जो है AFM के अंदर शामिल है, ठीक है। और आपको जगह जगह जो है ना वही सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो आपने F9 के अंदर बार बार पढ़ी हुई, ठीक है। ठीक, अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो इस सिलेबस में ये 5 सेक्शन है। अब लेट्स डिस्कस इन ब्रीफ कि ये 5 सेक्शन बेसिकली हैं क्या, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेक्शन ए डील्स विद के सीनियर फाइनेंशियल एडवाइज़र का रोल क्या होता है, यानी कि फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस एडवाइज़र का रोल क्या होता है। अब ये रोल थोड़ा सा ब्रॉडर है जो हमने F9 में पढ़ा था, ठीक है। F9 में तुम्हें याद होगा जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि यार फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, फाइनेंसिंग पॉलिसी बनाता है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज बनाता है, डिविडेंड पॉलिसीज बनाता है, राइट। लेकिन यहाँ पर यही रोल जो है फाइनेंस एडवाइज़र का मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि AFM के सिलेबस में F9 के मुकाबले में इंटरनेशनल फाइनेंसिंग और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है। यानी फोकस जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा है कंपैरेटिवली डोमेस्टिक, ठीक है। सर चाहिए इंटरनेशनल से मुराद मतलब सब्सिडियरी और उसका रिलेशन के हिसाब से बोल रहे हैं, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से नहीं, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से नहीं, लेकिन आप एक डोमेस्टिक बाउंड्री से बाहर निकल के सोचें कि आपको शेयर्स इशू करने हैं, आप किसी और स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट के अलावा, आपको बैंक से बोरो करना है, आपने किसी इंटरनेशनल बैंक से बोरो कर लिया, आपने बॉन्ड इशू करने हैं, आपने फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इशू कर दिए, सही है। तो ये तो थ्योरेटिकल एरिया है पूरा सेक्शन ए, विच इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसके अंदर सारे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव आएगा सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन बी दी अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट एरिया, जैसे F9 में था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, 20 नंबर का सवाल आता था, तो यहाँ पर एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का जो टॉपिक है ना, इस पे लाइकली सवाल बनता है, लाइकली क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि एक जो F9 का पेपर है उसका जो अप्रेजल है ना सवाल, वो बच्चा वाला सवाल है इसके सामने, नथिंग, ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सवाल होता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इंटरनेशनल इफेक्ट जो है ना वो आपको देखना पड़ेगा, तो करेंसी की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है इसके अंदर। जैसे आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट किसी और कंट्री के अंदर है, तो ऑब्वियसली वहाँ के कैश फ्लोज सही है मिक्स हो रहे होंगे, डोमेस्टिक कैश फ्लोज भी होंगे, इंटरनेशनल टैक्स कैश फ्लोज भी होंगे, तो उसमें ट्रांसलेशन के मसले भी आएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा जो अल्टीमेट एरिया आता है एक्विजिशन एंड मर्जर्स, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। बिजनेस वैल्यूएशन को मैंने F9 पढ़ाते वक्त बताया था कि बिजनेस वैल्यूएशन का इंट्रो दिया जा रहा है यहाँ पर F9 के अंदर, लेकिन अब यहाँ पर बिजनेस वैल्यूएशन की एडवांसमेंट आएगी, फिर मर्जर एंड एक्विजिशन की इश्यूज आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पहला जो इम्पोर्टेंट एरिया नज़र आता है वो नज़र ये आता है कि आप बिजनेस वैल्यूएशन के मेथड्स बताएं, जिसके अंदर नेट एसेट्स हो गए, ठीक है, डिविडेंड वैल्यूएशन हो गया, अर्निंग यील्ड हो गया, पी रेशो हो गया। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, फ्री कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन, ठीक है, उसको हम देखेंगे किस तरह से होता है। फिर मर्जर एंड एक्विजिशन के डिफरेंट मसले, मसलन अगर एक कंपनी को खरीदना है तो उसकी फाइनेंसिंग कैसे होगी, टेक ओवर के अंदर होस्टाइल टेक ओवर क्या होता है, फ्रेंडली टेक ओवर क्या होता है, इस तरह के मर्जर एंड एक्विजिशन के इशूज हम टैकल करेंगे। फिर नॉट वेरी मच, वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, नॉट वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कॉर्पोरेट रीकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, रीकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन में मैं छोटा सा अभी एक हिंट दे देता हूँ, डी मर्जर्स। जैसे मर्जर होते हैं तो मर्जर होते हैं कि वो आपने कंबाइन किया दो एंटिटीज को, रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का साइज चेंज कर दें, सही है, शेयर्स चेंज कर दें, मर्जर्स को ख़त्म कर दें, डी मर्ज कर दें, उसमें क्या होगा। और इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विद सेक्शन बी एंड सेक्शन ई, सेक्शन बी और ई सबसे इम्पॉर्टेंट है सिलेबस में,
एंड दैट इज ट्रेजरी एंड एडवांस रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, जो कि एफ नाइन के अंदर एक छोटा सा मुख्तसर सा पोर्शन था, दैट इज करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने मनी मार्केट हेजिंग और फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अच्छा, AFM के अंदर ये जो रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट है, इस पे एक लाइकली 25 नंबर का सवाल होता है, और वो सवाल इतना आसान नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एरिया, राइट? बहुत टफ टाइम देता है स्टूडेंट्स को। अच्छा जी, अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा पेपर पैटर्न की तरफ आ जाए, तो आपका जो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर है उसमें आपके पास 3 hours and 15 minutes का एग्जामिनेशन टाइम होता है आपके पास, 3 hours and 15 minutes, राइट? सही सही सर, 3 hours and 15 minutes, 1 minute। अच्छा, फिर इसके अंदर दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अच्छा, सेक्शन ई, सेक्शन ए में सिर्फ एक ही सवाल आएगा, एंड दैट वुड बी अ लॉन्ग क्वेश्चन ना, सही? वेरी वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, जिस जमाने में हम स्टूडेंट थे तो एफ नाइन में भी एक 50 नंबर का सेक्शन ए में सवाल आता था, 1 question 50 marks ईच, जिस जमाने में हम लोग पढ़ा करते। तुम लोगों के जमाने में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अब ये जो 50 नंबर का सवाल है उसके अंदर एग्जामिनर बहुत सारे इश्यूज पूछता है, जिसके अंदर मोस्ट लाइकली जो सवाल की थीम होती है, वो सवाल की थीम या तो वो उठाएगा सेक्शन बी से, या फिर वो उठाएगा सेक्शन सी से, एक्विजिशन एंड मर्जर से, या एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से, और फिर उसके साथ वो कोई भी एरिया कनेक्ट कर सकता है, वो रिस्क मैनेजमेंट कनेक्ट कर सकता है, कोई भी पार्ट कनेक्ट कर सकता है, थ्योरी कनेक्ट कर सकता है, वो एग्जामिनर के अपने डोमेन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये 50 नंबर का जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, इसको टैकल करने में स्टूडेंट को टफ टाइम मिलता है। इसके अंदर 4 professional marks मिलते हैं स्टूडेंट को, ये आपकी राइटिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको जो टास्क दिया गया, जो भी एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, रिपोर्ट बनानी है, ब्रीफिंग पेपर बनाना है, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये एक्सपर्ट मार्क्स है ना, कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं एग्जाम के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट 4 marks, लेकिन वेरी डिफिकल्ट टू गेट दिस 4 professional marks। ये हम डिस्कस करेंगे हाउ दे कैन गेट दिस, ठीक है? कैंडिडेट शुड अंडरस्टैंड दैट दे विल बी एक्सपेक्टेड टू अंडरटेक कैलकुलेशंस, ऑब्वियसली कैलकुलेशन का पेपर है, लेकिन थ्योरी बहुत ज्यादा है, सही है? ड्रॉ कंपैरिजन अगेंस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, वेयर अप्रोप्रिएट एनालाइज द रिजल्ट्स, एंड ऑफर रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन एज रिक्वायर्ड। सो नॉर्मली मैनेजमेंट लेवल के ऊपर ये सारी चीजें नहीं होती, लेकिन प्रोफेशनल लेवल के आप कैलकुलेशन, एनालिसिस, रिकमेंडेशन, कंक्लूजन ऑल टुगेदर, सही है? फाइनेंशियल मैनेजर्स आर रिक्वायर्ड टू लुक अक्रॉस अ रेंज ऑफ इश्यूज व्हिच अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स फाइनेंसेस, सो कैंडिडेट शुड एक्सपेक्ट टू सी द केस स्टडी फोकस ऑन अ रेंज ऑफ इश्यूज फ्रॉम एटलीस्ट 2 syllabus sections, यानी केस स्टडी में 2 syllabus sections का फोकस होता है, और जिसमें these will vary depending on the business context of the case study, A and E. ज़्यादा chances होते हैं कि आपका ये focus आएगा। तो ये A related to A and E में से कोई भी 2 sections, A और E नहीं, A और E में से कोई भी 2 sections में main focus होगा। मेरी understanding है कि appraisal या merger and acquisition पे ज़्यादा focus होगा। अच्छा, फिर ये 50 marks के बाद आपके पास section B start होता है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई चॉइस नहीं होती पेपर में, तो आपको सेक्शन बी में 2 compulsory questions दिए जाएंगे वर्थ 25 marks। ये जो 25 marks का क्वेश्चन होगा, ये सिनेरियो बेस्ड होगा, लेकिन ये ऑब्वियसली वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं होगा, और इसके अंदर कैलकुलेशन और थ्योरी दोनों कंबाइन हुई हुई होगी, सही है? सेक्शन ए में भी मतलब जो क्वेश्चन होंगे वो जिस तरह हमारा अभी एफ नाइन में सेक्शन बी के सवाल आते आ रहे हैं उसी तरह होंगे, नहीं मतलब सिवाय केस के, नहीं नहीं वो थोड़ा सा डिफरेंट, एफ नाइन इज वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, सही है? यहाँ ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता जितना हमें लगता है। तो अभी मैं एक पास पेपर आपको दिखाता हूँ, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या है बेसिकली, सही है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर।
अच्छा जी, ये तो हो गया सही। All topics in syllabus section will be examined in either section A or section B, but every exam will have questions which have a focus on syllabus section and B and E. अभी देखें ये SEC वाले खुद कह रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट के अंदर खुद लिखा हुआ है कि हर एग्जाम में मेन फोकस किसके ऊपर होगा, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के ऊपर और रिस्क मैनेजमेंट के। इसका मतलब आप ये दो टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करके जाएंगे, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एंड रिस्क मैनेजमेंट। सही। अब थोड़ा सा डिटेल में चीजें देखते हैं, हाउ सिमिलर और हाउ डिसिमिलर, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमने F9 में पढ़ी हुई। यार देखो ऑब्वियसली F9 का एडवांटेज यहाँ उठाना चाहिए, F9 बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ तुम लोग जी। सो सही है। अच्छा जी, तो अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं जिसमें हमने कहा था कि सीनियर फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मल्टीनेशनल के अंदर क्या होती है, तो उसमें मोटे मोटे इश्यूज जो यहाँ पे दिए हुए हैं, द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव या एडवाइजर, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन जिसके अंदर वही तीन तरह की स्ट्रेटेजीज में हमने बात किया था, एथिकल एंड गवर्नेंस इश्यूज। पी पेपर्स के अंदर एथिक्स आता है राइट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, एथिक्स की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। सही। मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन फाइनेंस, स्ट्रेटेजिक बिजनेस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पहले बताया इंटरनेशनल फोकस ज्यादा होता है। डिविडेंड पॉलिसी, वहां हमने पढ़ी थी, नाउ देयर इज डिविडेंड पॉलिसी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीनेशनल, और ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यूज। अभी ट्रांसफर प्राइसिंग वो नहीं है जो F5 के अंदर पढ़ाया जाता था कि जी आप ट्रांसफर प्राइस निकालें, इसका एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ज्यादा है। अच्छा। और थोड़ा सा इंटरनेशनल बिजनेस में टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर प्राइसिंग को कैसे यूज किया जाता है उसकी चीजें हम डिस्कस करें। अच्छा, फिर सेक्शन बी पर आते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर अब आपको वो बेसिक NPV टेक्निक, NPV IRR ARR बेसिक कैलकुलेशन नहीं, लेकिन फोकस वही है बेसिक कैलकुलेशन, उसी को बेस बनाकर आप यहाँ पर डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। सही है। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक आता है NPV की जगह, दैट इज कॉल्ड APV। और बाज दफा ऐसा होता है एग्जाम में कि उसने सेक्शन बी में पूरा 25 नंबर का APV बेस्ड क्वेश्चन बना दिया, अगर उसने सेक्शन ए में फोकस नहीं रखा अप्रेजल का। सही है। सही हो। अच्छा, फिर इसके अंदर आपका एक ऑप्शन प्राइसिंग थ्योरी, रियल ऑप्शन थ्योरी एक पर्सपेक्टिव आगे जाके डिस्कस करेंगे क्या होगी, और इसके अलावा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी कि आपने पैसा बाहर लगाया, आपने लोन भी बाहर से लिया, तो हाउ इट विल अफेक्ट आवर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल डिसीजन। इसके अंदर आपका पूरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज इट इज शामिल है F9 वाला, जिसके अंदर कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, बीटा हर चीज शामिल है। और तुमने याद है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने? जी सर। उस ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमने मॉडिग्लियानी एंड मिलर की थ्योरी पढ़ी थी। जी सर। वहां हमने सिर्फ थ्योरी में पढ़ा था मॉडिग्लियानी एंड मिलर को। यहाँ मॉडिग्लियानी एंड मिलर बहुत भरपूर तरीके से आता है विद रेस्पेक्ट टू कैलकुलेशन फॉर्मूलाज वगैरह। सही हो। तो अप्रेजल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ सेक्शन बी में कवर हो जाता है, मर्ज हुआ हुआ इसके अंदर। और ये एरिया F9 के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है। F9 की बेस अच्छी है तो आपका सेक्शन बी में आपको मजा भी आएगा, आपको समझने में आसानी होगी और उसको पक्का करने में भी हेल्प मिलेगी। उसके बाद आ जाए सेक्शन सी के ऊपर, एक्विजिशन एंड मर्जर्स, ऑर्गेनिक वर्सेस इनऑर्गेनिक ग्रोथ, के बिजनेस को आउटराइट खरीदना चाहिए या खुद से ग्रो करना चाहिए, वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन मेथड्स, उसमें कुछ एडवांस मेथड्स आ जाएंगे जो हमने वहां नहीं पढ़े। उसके अलावा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एक चीज होती है, जब भी कोई मर्जर एंड एक्विजिशन होता है तो हर मुल्क में एक अथॉरिटी होती है जो ये देखती है कि यार ये मर्जर और एक्विजिशन जो ना पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के अगेंस्ट जा रहा है, कोई मोनोपोली तो नहीं बन रही। अगर कोई मोनोपोली क्रिएट होने जा रही है तो वो मर्जर के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में, कराची में एक मोनोपोली है। सही है। तो अगर मोनोपोली होगी तो वो जब चाहे प्राइस बढ़ा देते हैं। सो यू हैव टू चेक, इस रेगुलेटरी जो बॉडी है इसका काम ये है कि इस तरह के मोनोपोलीज को रोकना, और अगर कोई मर्जर एंड एक्विजिशन पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में ना हो तो उसको हॉल्ट कर देना, रोक देना। सही है।
जैसे अभी मलेशिया के अंदर एक कंपनी ग्रैब, उसने उबर को एक्वायर किया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, पूरे 8 मुल्कों के अंदर उसने उबर को टेक ओवर किया। तो सही बात है, वेंचर कैपिटलिस्ट है क्या? नहीं नहीं, ये तो वो कंपनी है ना, ग्रैब इज लाइक उबर, उबर इज ग्रैब टाइप की कंपनी, ग्रैब इज उबर लाइक बिजनेस। तो इसने एक्वायर किया, तो पैसा वेंचर कैपिटल से आया होगा, सही है, सही निकला तुम्हारे मुंह से। वेंचर कैपिटल भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, वेंचर कैपिटल ने पैसा दिया। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, सिंगापुर के अंदर वहाँ की जो कंपटीशन कमीशन था ना, उसने इसको उसको रोक दिया। उसने कहा भाई ये तो मोनोपोली क्रिएट हो गई, आप पहले तो 2 राइडर्स थे उबर और ग्रैब, अब आपने उसको एक्वायर कर लिया, आप तो अपनी मर्जी के प्राइसेस चार्ज करेंगे ये वो। तो उन्होंने कॉम्पिटिशन कमीशन से डिबेट की इसके ऊपर कि नहीं जी ऐसा नहीं, कॉम्पिटिशन अभी भी हो रहा है, और हमने कहा सबको खरीद लिया, बसेस भी चल रही हैं, ट्रेन्स भी चल रही हैं, नॉर्मल टैक्सीज भी चल रही हैं, तो कंपटीशन तो है, सही। तो इस तरह की जो मर्जर एंड एक्विजिशंस होते हैं, इसके अंदर जो ना इस तरह के मसले बहुत ज्यादा होते हैं। और फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम फाइनेंसिंग पढ़ रहे हैं, तो फाइनेंसिंग मर्जर एंड एक्विजिशन में पैसा कहाँ से आएगा? जैसे अभी तुमने कहा वेंचर कैपिटल, यस वेंचर कैपिटल इज अ लाइकली टॉपिक फॉर फाइनेंसिंग एक्विजिशन इन मर्जर्स। लेकिन कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, अब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने बताया था कि किस तरह से जो ना बिजनेस को रीऑर्गेनाइज किया जाता है, डी मर्जर्स वगैरह इसमें कवर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं लास्ट सेक्शन के अंदर, ट्रेजरी एंड एडवांस रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक। सो इसके अंदर आपका जो टॉपिक कवर होता है, रोल ऑफ द ट्रेजरी फंक्शन इन मल्टीनेशनल, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के की रोल क्या होते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स टू हेज अगेंस्ट करेंसी रिस्क, और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स टू हेज अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क। यानी कि आपकी तबीयत साफ हो जाएगी, इतने डेरिवेटिव्स आपको पढ़ाए जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल सिलेबस पे जाता हूँ, इसके सिलेबस पे चलते हैं और देखते हैं हमने क्या पढ़ा और अल्टीमेटली तुम क्या पढ़ोगे इसके अंदर। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, सबकी जान खराब होती है इसके अंदर, ट्रेजरी इसके अंदर। ये देखें, evaluate for a given hedging requirement which of the following is the most appropriate strategy given the nature of the underlying position in the risk exposure, the use of the forward exchange contract. पढ़ा हुआ है ना तुमने? जी सर। मनी मार्केट हेजिंग, ये भी तुमने पढ़ा हुआ है, सही है जी सर। अच्छा, अब ये नई चीज आएंगी, एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी स्वैप्स, ये बड़ी चीज है, इस पे सवाल बनते हैं, ऑप्शन पे, फ्यूचर पे, स्वैप्स पे, इस पे सवाल आते हैं, सही। इसी तरह अगर हम इंटरेस्ट रेट की मैनेजमेंट पे जाएं, तो इंटरेस्ट रेट में वहां हमने हल्का सा एफआरए डिस्कस किया था, यहाँ फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस, कॉलर्स एंड कैप्स वगैरह, ये बहुत डिटेल के अंदर है, सही भाई। अच्छा, अभी थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाते हैं वैल्यूएशन के ऊपर, सो ये देखें जी, वैल्यूएशन के मॉडल्स, बुक वैल्यू प्लस मॉडल्स, नेट एसेट्स, मार्केट बेस्ड मॉडल्स, कैश फ्लो बेस्ड मॉडल्स, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है? यस सर। सही है? जी सर। अच्छा जी, ये तो पढ़ा हुआ है ना, उसका ही फायदा उठाना। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा सेक्शन बी पे आते हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को देख के थोड़ा सा सुकून होता है। ये देखें, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, इवैल्यूएट द पोटेंशियल वैल्यू एडेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन अराइजिंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफ पोर्टफोलियो यूजिंग द एनपीवी मॉडल, सेम, सही है। अच्छा, प्रोजेक्ट मॉडलिंग शुड इंक्लूड एक्सप्लिसिट ट्रीटमेंट एंड डिस्कशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड स्पेसिफिक प्राइस वेरिएशन, टैक्सेशन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, सही है, ये हमने किया हुआ है। सिंगल पीरियड कैपिटल रेशनिंग, ये किया हुआ था हमने, सही है। यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, मल्टी पीरियड कैपिटल रेशनिंग। प्रोबेबिलिटी एनालिसिस किया हुआ हमने,
सेंसिटिविटी एनालिसिस किया हुआ हमने, ये भी हमें पता है। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट भी हमने पढ़ा हुआ था, स्पेसिफिक वाला ये भी हमने पढ़ा हुआ था, सही। अच्छा जी, फिर हमने IRR पढ़ा हुआ था जी, या नया कॉन्सेप्ट आएगा एक मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, MIRR, सही जी। सर ये वो उसके इसमें हुआ कि वो डबल जब IRR आ जाते हैं। यार तुम्हारा दिमाग सही चल रहा है, बेहतरीन, बिल्कुल। वो जो लिमिटेशन पड़ी थी ना IRR की, दो लिमिटेशन पड़ी थी कि IRR की अजम्पशन गलत है, रीइन्वेस्टमेंट अजम्पशन गलत है, सही है, और अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज में मल्टीपल IRR आते हैं। उसको ओवरकम करके इन्होंने मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बना दिया, सही है। अच्छा एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की चीज पढ़ोगे तुम लोग, ब्लैक शोल्स ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, कमाल की चीज है। ऑप्शंस जो होते हैं ना, ऑप्शंस, ऑप्शंस को वैल्यू कैसे किया जाता है। अच्छा फिर इसके बाद अगर हम आ जाएं थोड़ा सा आगे बढ़े तो इस्लामिक फाइनेंसिंग तुमने थोड़ी बहुत पढ़ी थी जी सर, इसके अंदर इस्लामिक फाइनेंस दोबारा थोड़ी सी एडवांसमेंट के साथ, थोड़ा सा इंश्योरेंस का टच भी आएगा इसके अंदर, सही है। अच्छा फिर ये देखें, आपको थोड़ी सी चीज जानी पहचानी लगेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, सही है। अच्छा जी, इसके अलावा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये भी हमने पढ़ी हुई है। अच्छा जी, मॉडिग्लियानी एंड मिलर्स विद एंड विदाउट टैक्स पर्सपेक्टिव, सही है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी प्रोपोजिशन, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, सही है। एक नया कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, APV, वेयर वी यूज APV, सही है। APV इस्तेमाल करने के लिए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जरूरी है, क्योंकि APV के लिए एक पहली जो कंडीशन है कि आप एक सूटेबल बीटा के जरिए उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे, वो हमारा सारा यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, सही है। तो ये ओवरऑल एक आइडिया है कि हमारे जनरल डिटेल सिलेबस के अंदर चीजें हैं क्या, सही है, इसे तुम्हें आइडिया हो गया होगा। अच्छा अब चलते हैं जरा, वन मिनट आप मुझे, मैं एक पास पेपर ओपन करता हूँ अपने पास, कि पेपर पैटर्न यूजुअली होता कैसे। ये देखें एक सैंपल पेपर है, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट सैंपल क्वेश्चन। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, सेक्शन ए, वन क्वेश्चन कंपलसरी मस्ट बी अटेम्प्टेड, बोथ क्वेश्चन कंपलसरी मस्ट बी अटेम्प्टेड, राइट। अब देखें ये है वो सिनेरियो प्रिपेयर्स क्वेश्चन, एक लंबा चौड़ा सवाल, पहले जरा इसकी लेंथ पे बात कर लेते हैं जरा, ये देखें ये पूरी एक लेंथ है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन, सही है। सही है, लेकिन बहुत इतनी भी लेंथ नहीं है, हम तो केस स्टडी करवाते हैं 25-25 पेजेस का, ये तो सिर्फ 2 पेजेस का मसला ही नहीं, सही है। अब इसके अंदर देखें, इसके अंदर आपको थ्योरी भी का भी एलिमेंट है, कैलकुलेशन भी एक पार्ट है ना, ए पार्ट 5 मार्क्स की वर्किंग, बी पार्ट के अंदर उसने 12+9=21-10=35-35 नंबर बी पार्ट में पूछ लिए, और सी पार्ट में एक और इशू डाल दिया एथिकल इशू 10 नंबर, तो 50 नंबर का इस तरह से सवाल with lots of information, lots of calculation, lots of theory, सही है? अच्छा ये जो सवाल इसने थोड़ा सा टच दिया है, इसके अंदर इसने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का टच तुम्हें नजर आ रहा होगा, एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, ईयर दिए हुए हैं, सही है। ये देखो थोड़ा सा मैं रीड करता हूँ, थोड़ा सा तसल्ली होगी तुम्हें। द फॉलोइंग नंबर ऑफ ड्रोन आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड, नंबर ऑफ ड्रोन प्रोड्यूस एंड सोल्ड इन द फर्स्ट ईयर, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सेलिंग प्राइस विल बी 1200, वेरिएबल कॉस्ट विल बी 480, annual direct fixed cost will be 2.7 million. After the first year, selling price is expected to increase by 8% per annum, variable cost 4% per annum, fixed cost by 10% for the next 3 years. सही है? तो ये that means कि वही similar NPV वाला, appraisal वाला, हमने चीजें पढ़ी भी होंगी तो हमें आसानी रहेगी। अगले paragraph में working capital sales का इतना percent होगा, हर साल इतने percent से बढ़ेगा, सही है? फिर अगले paragraph में देखें तो लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट के लिए 35 मिलियन की मशीनरी चाहिए, टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन होगा 15% पर एनम स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर, इसका मतलब मार्क्स तो है ना पेपर में निकालने के लिए, सही है। ऐसा नहीं है बिल्कुल ये कोई नई चीज आ जाएगी, तो ये पीछे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है,
मैंने F9 पढ़ाते वक्त भी कहा था कि यार तुम्हें F9 में P4 में F9 तुम्हें बहुत याद आएगा, काश पढ़ लेते सही तरीके से। अब सेक्शन सेक्शन बी में पहला सवाल, अब मैंने कहा था ना रिस्क मैनेजमेंट, ऊपर उसने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे सवाल बनाया तो नीचे उसने रिस्क मैनेजमेंट का एक 25 नंबर का सवाल बनाया, और ये इंटरेस्ट रेट बेस्ड है स्वैप्स के ऊपर सवाल बनाया। अब अगला सवाल ऑब्वियसली मर्जर एंड एक्विजिशन नहीं पूछा, तो उसने रीस्ट्रक्चरिंग या मर्जर एंड एक्विजिशन पे सवाल बना के 25 नंबर का सवाल बनाया। सही है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीमर्जिंग द बिजनेस इनटू अ न्यू कंपनी। सही है, और उसके बाद उसने इसके अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फ्री कैश फ्लो से वैल्यूएशन डाल दी और इस तरह की चीजें करा के, ये आपका पेपर और ये आपको जो फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, इस फॉर्मूले में कुछ आपको जाना पहचाना फॉर्मूला नजर आ रहा है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का, एक आपको अनगियर्ड और रीगियर्ड करने का फॉर्मूला नजर आ रहा है, एक आपको डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का फॉर्मूला नजर आ रहा है, एक वैक नजर आ रहा होगा, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी तो हम छू के गुजर गए थे वहां पर F9 में। जी जी, यहाँ पर परचेजिंग पावर पैरिटी के फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं करेंसी रेट निकालने के लिए। ये MIRR का फॉर्मूला, इसके जरिए MCQs में आया था। हाँ, आ जाता है बाद में MIRR कैसे कैलकुलेट करते हैं, और ये आपको एक अदर डिस्काउंट टेबल प्रोवाइड की जाएगी, और ब्लैक शोल्स मॉडल के लिए आपको इस तरह का एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कुल पेपर के बारे में आपको एक इंसाइट मैंने प्रोवाइड कर दी कि हम इस पेपर के अंदर क्या क्या करते हैं यूजुअली। सही, अब देखें एक डॉक्यूमेंट है ACC ने इशू किया हुआ, वेरी इफेक्टिव, very effective document, let me share with you as well. The P, the professional papers hai na, professional papers mein aapki drafting ability bahut achhi honi chahiye, answer likhna hai aapko na, orally theory padh ke chale gaye, likha nahi, practice nahi ki, calculation ki bhi practice karni hai, theory ki bhi practice karni hai. Aap dekhiye ye, ye ek one page ka ek document issue hua hai, how to approach AFM, isme bahut kaam ki cheez hai, किस तरीके से। अच्छा, यूजुअली जो है ना प्रोफेशनल पेपर्स में ये एडवाइस की जाती है कि आप ज्यादा पढ़ें, बुक को छोड़ें, कहीं और से भी पढ़ें, तो अब हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम अल्टीमेटली कहाँ से पढ़ें, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार ठीक है मैं एक अच्छा स्टडी टेक्स्ट फॉलो कर लेता हूँ, साथ में जितने भी टेक्निकल आर्टिकल्स हैं एफ नाइन प्लस AFM के, वो टेक्निकल आर्टिकल्स में मुझे बहुत फोकस करना है। एग्जामिनर ने दबा के टेक्निकल आर्टिकल्स इशू किए हुए AFM के अंदर भी और F9 के अंदर भी, तो वहां से हम अपनी थ्योरेटिकल बेस जो है ना वो अच्छी करके लेके जा सकते हैं। सही है, अब जैसे इसके अंदर जो कुछ टिप्स और एडवाइस दी हुई है, जैसे ये बड़ी अच्छी चीज है, ये एडवाइस फ्रॉम द एग्जामिनेशन टीम, एग्जामिनेशन टीम की एडवाइस ही को फॉलो करके पेपर निकलेगा भाई, राइट। सही, तो ये कह रहे हैं सप्लीमेंट योर स्टडीज विद वाइडर रीडिंग। अब ये वाइडर रीडिंग क्या है, कि आप स्टडी टेक्स्ट पढ़ें और आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल या AFM किसी और फाइनेंस की बुक से पढ़ें, अच्छी फाइनेंस की बुक से अगर आपके पास है, या आप उसको रेफर करें, ऑब्वियसली वी हैवंट टाइम अबाउट इट। सही, बी अवेयर दैट मोर देन वन टॉपिक एरिया ऑफ द सिलेबस मे बी एग्जामिन्ड इन अ क्वेश्चन, रिलेट एनी डिस्कशन और इवैल्यूएशन टू द सिनेरियो इन द क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मसलन केस स्टडी के साथ ये जो भी डेटा दिया हुआ है ना, उस डेटा के साथ आपको लिंक करना, डिविडेंड पॉलिसी पूछी हुई है कंपनी से रिलेटेड, तो आपको ये नहीं बताना डिविडेंड पॉलिसी क्या, आपको बताना कंपनी के लिए सूटेबल है या नहीं है। सही, यूज योर टाइम इफेक्टिवली, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टफ टाइम होता है पेपर में 3 आवर्स, गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आर एसेंशियल, वही सिनेरियो पहले अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी पे पहले जाना है, कैसे मैनेज करना है, स्ट्रक्चर योर आंसर, प्रेजेंटेशन इज क्रिटिकल, क्योंकि अब एग्जामिनर बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है प्रोफेशनल स्टूडेंट से कि वो आंसर ड्राफ्ट कैसे करेगा, तो इसलिए हैपेजर्ड आंसर नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे पास पेपर से तो आ जाएगा समझ में क्या हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा अगर ये देखें कि AFM और FM का जो आपस में अभी कनेक्शन बना हमारे यहाँ पर टॉपिक्स का, जो मैंने बताया फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखें, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे पास अप्रेजल था, बिजनेस फाइनेंस था, वैल्यूएशन था, रिस्क मैनेजमेंट था। ठीक है, AFM इसी को लेके चलता है, अप्रेजल का एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आ गया सिमिलर, बिजनेस फाइनेंस का एक्विजिशन एंड मर्जर्स आ गया, इंटरनेशनल एक्विजिशन एंड मर्जर की फाइनेंसिंग,
वैल्यूएशन आ गया रिकंस्ट्रक्शन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, और रिस्क मैनेजमेंट का आ गया एडवांस ट्रेजरी एंड रिस्क मैनेजमेंट. सही है? अच्छा जी, अब ये रिसोर्सेज इन्होंने ये यहाँ पर गाइडलाइंस दी हुई हैं कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर स्टेपिंग अप फ्रॉम एफएम टू एएफएम, एएफएम स्टडी सपोर्ट गाइड, एग्जामिनर अप्रोच आर्टिकल्स, पासिंग स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल एग्जाम्स, हाउ टू अर्न प्रोफेशनल मार्क्स, एथिकल मॉड्यूल, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन एंड आंसर, एग्जामिनर रिपोर्ट्स, इनको फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली हमें एक एग्जामिनर रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि पता लगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं, क्या क्या मसले मसाइल आ रहे हैं. सही है? और एक प्रॉपर डीब्रीफ किसी क्वेश्चन का, कि एग्जामिनर ने एक पूरा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया, कैसे लिखा, ताकि उसको बेस बना के आप अपनी तैयारी शुरू कर सकें. हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, सही है, हम स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगेन, और उसको फिर कनेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के साथ. तो हम पहले ही गो के अंदर अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में मॉडिक लैनी एंड मिलर, और उसके बाद एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. सही है? सही है.